गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 14.1 सम नंबर थर्ड. आई हैव रिटन द स्टेटमेंट ऑन द नोटबुक. हाँ जी, स्टेटमेंट पहले देखिए क्या है. ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ. आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है विद सेंटर ओ एंड एनी रेडियस, अपनी मर्जी से. एनी रेडियस मीन्स आप 4 सेंटीमीटर का कर लो, 5 का कर लो, बिना मेज़र किए आप इसको इतना खोल के भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. आप भी अपनी मर्जी से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है. ड्रॉ ए सी एंड बी सी टू परपेंडिकुलर डायमीटर्स. इन्होंने पहले बोला है सेंटर ओ देना है. ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि टू डायामीटर्स ड्रॉ करने हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टू डायामीटर्स नेम क्या देने हैं उनको. ए सी, ये हो गया ए सी एंड बी डी. सॉरी, ए सी एंड, एक मिनट, ए सी एंड बी डी. यहाँ पे बी डी लिखना है. ठीक है, तो दूसरा आपने लिख लिया बी डी. आपको पता है कि सेंटर में से होके गुजरेगा डायामीटर. ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया डी. अब इन्होंने आगे क्या बोला है, ज्वाइन ए बी. अब कहते हैं ए बी को ज्वाइन कर दो लाइक दिस, देन बी सी को ज्वाइन कर दो. आप अपनी बुक से स्टेटमेंट को देख के साथ साथ बना सकते हो. देन सी डी को ज्वाइन कर दो, देन डी ए को ज्वाइन कर दो. तो ये आपका सर्कल बन गया. सबसे पहले क्या किया हमने, विदाउट एनी मेजरमेंट वी ड्रॉ सर्कल विद एनी रेडियस. आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ टू डायामीटर्स ए सी एंड बी डी. आफ्टर दैट वी विल ज्वाइन ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. ठीक है बेटा, उसके बाद सम नंबर फोर देखिए, वो भी मैंने स्टेटमेंट लिख ली है. ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर. अब इन्होंने बोला है कि 6 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो बेटा हमने 6 सेंटीमीटर तक कंपास खोलनी है. ठीक है, 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है. ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए अब स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे. तो उसके बाद है मार्क पॉइंट्स पी क्यू आर. कहते 3 पॉइंट्स आपने ड्रॉ करने हैं. पहले सेंटर में ओ लिखना है, उसके बाद 3 पॉइंट्स लेने हैं. पी कहते हैं लाइज ऑन द सर्कल. पी जो है सर्कल के ऊपर है, जैसे मैंने पी यहाँ पे ले लिया. ठीक है बेटा, क्यू लाइज इन द इंटीरियर. क्यू मैंने यहाँ पे ले लिया, आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन लेना इनसाइड ही है. किसी की लेंथ ज़्यादा आएगी, किसी की कम आएगी, उस चीज़ को नहीं आपने लेना. ठीक है, आर लाइज इन द एक्सटीरियर. आर जैसे है मैंने यहाँ पे ले लिया. कुछ स्टूडेंट्स यहाँ ले सकते हैं, कुछ यहाँ पे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है. उसके बाद बेटा है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब पहले हम इन सभी को ज्वाइन करेंगे, तभी हम इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं ना. देखिए ये हो गया पी, क्यू मैंने यहाँ पे लिया था, क्यू हो गया हमारा यहाँ पे, उसके बाद आर हो गया हमारा यहाँ पे. देखिए पहले सीधी सी बात है कि ओ पी जो है, ओ पी की जो लेंथ है वो आपको पता है. ये बाहर थोड़ी सी लाइन चली गई थी, इसको आप इरेज कर लेना. ओ पी जो है हमें पता है कि हमने रेडियस कितना लिया था, 6 सेंटीमीटर. ये रेडियस जो है ये बिना मेज़र किए हमने बता दिया 6 सेंटीमीटर है. अब इसकी मेज़रमेंट हम करेंगे. ये है बेटा 3 पॉइंट, सॉरी इस साइड लिखेंगे इसको 3.8. किसी का 4.5 आ सकता है, किसी का 5.5 आ सकता है. ठीक है, उसके बाद ये देखिए इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज़ पूरी 8 है. किसी की 7.5 आ सकती है, किसी की 8.8 आ सकती है. अब देखिए, अब इसके बाद है इन्होंने क्वेश्चंस पूछे, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द करेक्ट सिंबल. सिंबल आपको दिए हैं ओ क्यू. अब देखिए ओ क्यू है 3.8. अब देखिए कौन सा बड़ा है, इस साइड आ जाएगा साइन, जो बड़ा होता है आपको पता है. ओ पी यहाँ पे हमने लिख लिया 6, अब साइन आपका इस साइड आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है. ओ आर है आपका 8, इसका साइन भी आपका इस साइड आ जाएगा. अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे 5 लिया वो इक्वल का साइन आएगा. अगर किसी ने 5.5 लिया, ठीक है, तो उसका फिर साइन इस साइड आएगा. मतलब साइन की टेंशन नहीं लेनी कि मैम का इस साइड आया तो हमारा भी इस साइड आएगा. डिपेंड करता है, मैंने 3.8 लिया इसलिए मेरा 5 की तरफ आया पुट साइन.
अगर आप 5.1 लेते हो, जब 5 ले तो फिर इक्वल आएगा, 5.5 लेते हो तो फिर इस साइड आएगा, ठीक है। नाउ कम टू द सम नंबर 5। हाँ जी बेटा, सम नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट मैंने नोटबुक पे लिखी है, टेक टू पॉइंट्स ए एंड बी। कहते हैं आपने टू पॉइंट्स लेने हैं ए और बी। ये देखिए, ये मैंने टू पॉइंट्स ले लिए ए और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया बी। बहुत ईजी सम है ये तो। ऑन द पेज ऑफ योर नोटबुक ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ए। कहते अब आपने सेंटर जो है ए से लेना है, ठीक है। विच पासिस थ्रू बी। कहते जो सेंटर आपने ए से लेके आपका जो सर्कल है बी में से होके गुजरना चाहिए। बहुत ईजी। देखिए अब आपने इतनी ही कंपस खोलनी है, इससे ज़्यादा नहीं खोलनी। देखिए यहाँ से आपने जहाँ पे पॉइंट लिया आपने, आपने उतनी कंपस खोल के आपने इस अकॉर्डिंग बनाना है कि आपका जो सेंटर है वो बी से होके गुजरे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आगे पीछे हो रहा है, आप पॉइंट थोड़ा सा आगे ले लो, ठीक है। जस्ट मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, ये आपका हो गया। आप इसको ऐसे लाइन लगा दोगे, बस ये आपका बन गया, ठीक है बेटा। तो टुमारो वी विल डू नेक्स्ट 6 सम जो है बेटा, वो आप क्रॉस कर दो। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सम नंबर 7।